हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रतीक कुमार फ्रॉम सूरत स्कूल रेवाड़ी। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स, दैट इज चैप्टर 8 ऑफ क्लास 9th। टुडे आई विल सॉल्व एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। इन द क्वेश्चन 4 वी हैव गिवन ए स्क्वायर ए बी सी डी। वी हैव टू प्रूव दैट द डायगनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। वी हैव टू प्रूव दैट द डायगनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें पता है कि स्क्वायर के डायगनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और 90 पर बाइसेक्ट भी करते हैं। लेकिन ये हमें प्रूव करके दिखानी है, ये बात क्या करके दिखानी है, प्रूव। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हमने ट्राइंगल सेलेक्ट की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेलेक्ट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। कौन कौन सी ट्राइंगल, ध्यान देना, ए बी सी और ट्राइंगल बी ए डी, ये ट्राइंगल। इन दोनों को हम क्या करेंगे, कोंगेंट प्रूफ। ट्राइंगल ए बी सी में देखो, बी सी साइड है, इसमें कौन सी है, ए डी। तो बी सी इक्वल्स टू ए डी, साइड्स ऑफ स्क्वायर, हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो ये साइड भी क्या होंगी, इक्वल। सेकंड, ए बी साइड ट्राइंगल ए बी सी में भी है और ट्राइंगल बी ए डी में भी है। तो ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन, ए बी कॉमन। नेक्स्ट पॉइंट, वी नो दैट ऑल द एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री। स्क्वायर के सारे एंगल कितने का होते हैं, 90 डिग्री का। तो एंगल बी और एंगल ए भी क्या होंगे, ईच 90। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए ईच 90 डिग्री। क्लियर, तीन पॉइंट हो गए। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए डी बाय विच रूल, साइड एंगल साइड एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल, बाय एस ए एस रूल। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। टू इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। इट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी में साइड ए सी किसके इक्वल होगी, बी डी के इक्वल। ए सी इक्वल्स टू बी डी बाई सी पी सी डी। तो यहाँ पर हमने क्या शो कर दिया, ए सी और बी डी क्या है, स्क्वायर के डायगनल। तो डायगनल हमने इक्वल शो कर दिए। अब क्या शो करना है कि वो बाइसेक्ट भी करते हैं। तो हम बाइसेक्ट करते हैं, इसके लिए हम ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी। तो यहाँ पर लिखो, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी की बात करते हैं। ए ओ बी में देखो, यहाँ पर साइड ए बी साइड सी डी के इक्वल होगी, ए बी इक्वल्स टू सी डी। क्या लिखोगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। क्लियर। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर एंगल वन और एंगल थ्री क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड देखो, इसको मैं नेम देता हूँ एंगल फाइव, इसको नेम देता हूँ एंगल सिक्स। स्क्वायर की ये अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल और पैरेलल होती हैं। पैरेलल होती है तो एंगल फाइव और एंगल सिक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। कैसे एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल फाइव इक्वल्स टू एंगल सिक्स, अल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। ये किसका साइन है, ट्राइंगल का, सी ओ डी बाय एंगल एंगल साइड ए ए एस रूल, ए ए एस रूल, एंगल एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। अब दो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी बाई सी पी सी टी। देयरफॉर ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी बाई सिंप्लिसिटी। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि जो डायगनल है वो बाइसेक्ट भी करते हैं
क्या करते हैं? बाइसेक्ट। अब ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। क्या प्रूव करना है कि एंगल 1, 2, 3, 4 ये कितने के होंगे? 90 डिग्री के। तो इसके लिए हम ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, देखो ए ओ बी ट्राइंगल की बात करें तो इसमें साइड ए बी, इस बी ओ सी में साइड बी सी इक्वल होंगी। ए बी इक्वल्स टू बी सी बाई साइड्स ऑफ स्क्वायर, इधर क्या लिखोगे? साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, एक पॉइंट हो गया। सेकंड ओ बी ओ बी कॉमन, देखो ये जो ओ बी साइड है वो इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी है, कॉमन हो गई। थर्ड ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी प्रूव। अभी हमने प्रूव किया था ना, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी रूल से, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी। ट्रिपल एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी। अब ये दोनों इक्वल हो गए एंगल, और ये एंगल दोनों का एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 1 और 2 इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों एंगल कितने कितने के होंगे? 90 डिग्री के। कितने के होंगे? 90। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर? सिमिलरली एंगल 3, जब हम ये दो ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से 3 और 4 भी क्या जाएंगे? 90 डिग्री के। तो लास्ट में हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने वी हैव प्रूव दैट द डायगनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ए सी और बी डी हमने क्या इक्वल शो करके दिखाए थे यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने प्रूव किया कि जो डायगनल है वो बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट भी करते हैं, यहाँ पे हमने उनको बाइसेक्ट करके दिखाया। फिर हमने ये प्रूव किया कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमने एंगल क्या शो कर दिया? 90 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था। देखो इन क्वेश्चन नंबर 5th आपको खुद करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3rd और 5th एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd और 5th क्या है? ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ, 5 आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड द डायगनल ए सी ऑफ दिस पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स एंगल ए, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगनल ए सी है ना वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 2 के इक्वल। देन वी हैव टू प्रूव द फॉलोइंग, हमें प्रूव करना है कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी, कि जो ए सी है वो एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा। इट मीन्स एंगल 3 किसके इक्वल शो करना है? एंगल 4 के, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए बी सी डी जे रोम्बस, और इसको इस पैरेललोग्राम को हमें क्या प्रूव करना है? एक रोम्बस। क्लियर? तो सबसे पहले देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ये हमें गिवन है, और ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम थी। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल। इट मींस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 4। कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल्स। एंगल 1 और एंगल 4 कैसे हो गए बेटा? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब एंगल 2 और 3 भी इक्वल होंगे, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, सेम रीजन अल्टरनेट एंगल्स। अब देखो एंगल 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से एंगल 3 किस, एंगल 1 2 के इक्वल था, और 2 किसके इक्वल है? 3 के, और एंगल 1 4 के भी इक्वल है। एंगल 3 और 4 भी क्या होंगे? आपस में इक्वल, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्लियर? इट मींस हेंस AC bisects एंगल सी ओज, एंगल सी को भी क्या करेगी? बाइसेक्ट। देखो 1 2 के इक्वल गिवन था, हमने 3 किसके इक्वल शो कर दिया? 4 के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि AC है वो एंगल सी को क्या कर रही है? बाइसेक्ट। अब हमें इसको क्या प्रूव करना है? एक रोम्बस प्रूव करना है। तो देखो यहाँ से
एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4। इन ट्राइंगल एबीसी की बात करता हूँ, इन ट्राइंगल एबीसी की एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। देखो हमने प्रूव किया था 1 2 के इक्वल था 2, 3 के इक्वल तो 3, 4 के इक्वल, तो एंगल 2 और एंगल 4 क्या होंगे इक्वल, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 2 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, एंड वी नो दैट द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी इक्वल, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी। क्या लिखोगे रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब देखो ए बी इक्वल्स टू बी सी, सिमिलरली मैं प्रूव कर दूंगा ए डी इक्वल्स टू सी डी। इसका मतलब ए बी सी डी हमें पैरेललोग्राम गिवन थी, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल, और एडजेसेंट साइड मैंने क्या दिखा दी इक्वल प्रूव कर दी, तो सारी साइड्स क्या हो गई इक्वल। भाई पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल गिवन है ना, होती हैं, और हमने एडजेसेंट साइड भी क्या दिखा दी इक्वल, तो ये सारी साइड्स क्या हो गई आपस में इक्वल। देखो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू बी ए, सारी साइड्स क्या हो गई इक्वल, हैंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, तो इसलिए ए बी सी डी क्या बन गई रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप खुद ट्राई करना है, इस जैसे ही है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाया ना बिल्कुल इसी टाइप के हैं, वो आप खुद कर ट्राई करना, ठीक है।